हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, मतलब डेटा कैसे ट्रैवल करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर। आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ के देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन मोड मींस ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, मींस हाउ द डेटा इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह पर हम जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके कितने तरीके होते हैं, तो उसके जनरली तीन तरीके होते हैं, सिंपल मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंप्लेक्स मोड का मतलब है कि यह कम्युनिकेशन जो है सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ एक एंड से, तो डेटा विल ट्रांसफ़र फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, हम दूसरे एंड से डेटा को भेज नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंडर जो सेंड कर रहा है रिसीवर एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक ही एंड से डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो आप उसके एग्जांपल देखना है तो रेडियो आप देख सकते हैं, या फिर कीबोर्ड, या फिर टीवी चैनल पे और रेडियो पे हम जो देखते हैं सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ रेडियो को बता नहीं सकते या फिर टीवी को बोल नहीं सकते, तो इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि ई स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, दोनों एंड से हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं डेटा और हम दे भी सकते हैं। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर डिवाइस कैन ओनली रिसीव द डेटा, एक ही टाइम पे हम सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। अगर कोई सेंड कर रहा है डेटा तो हमें रिसीवर एंड पे होना चाहिए, तो दूसरे टाइम पे जब हम डेटा सेंड करेंगे तो रिसीवर एंड पे होगा दूसरा डिवाइस, तो ये एट ए टाइम हम रिसीव और सेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस इमेज में, और इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। जब डिवाइस ए सेंड कर रहा है तो डिवाइस बी जो है रिसीवर है, जब डिवाइस बी सेंड कर रहा है तो डिवाइस ए रिसीवर है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब तक कोई बंदा बोलता नहीं है ओवर तब तक वो बंदा सुनता रहता है, जब ओवर कहता है तब वो दूसरा बंदा जो है कुछ कहना शुरू करता है, जैसे वॉकी टॉकी में होता है। तो इस तरह से इफ बोथ द डिवाइस स्टार्ट टॉकिंग देन सिग्नल विल बी ड्रॉप, तो एक ही एट ए टाइम एक बंदा ही रिसीवर हो सकता है और एक बंदा ही सेंडर हो सकता है। तो फुल डुप्लेक्स मोड मतलब बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट डेटा एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे हम लोग सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ लिंक इज शेयर्ड अमंग टू, इफ कैपेसिटी ऑफ चैनल इज 2 MB देन इट विल शेयर 1 MBPS ईच अमंग दीज टू डिवाइस। तो ये हमें बस इतना जानने की ज़रूरत है इसमें कि बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक ही टाइम पे हम सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं हम सुन भी सकते हैं और सेम टाइम पे हम कह भी सकते हैं, तो सेंडर और रिसीवर दोनों हो जाता है। तो ये इसके डेटा ट्रांसमिशन के तीन टाइप्स है या फिर मोड्स है। तो अगले वीडियो में मैं इसके नेटवर्किंग के और डिटेल्स लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, थैंक्स।